समाजवादी अधिवक्ता सभा के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र की कार्यकारिणी का विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष नईम अहमद एडवोकेट ने 24 जनवरी 2019 को चक्कर की मिलक मुरादाबाद स्थित सपा कार्यालय पर विधिवत ऐलान किया। सपा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार सिंघल इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के सपा अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष नईम अहमद एडवोकेट ने अधिवक्ता सभा के जिला अध्यक्ष नाजिम हुसैन एडवोकेट के नेतृत्व में अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए बताया कि उन्होंने आरिफ खान एडवोकेट तथा श्रीमती मंजू एडवोकेट को कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र का उपाध्यक्ष, धर्मेंद्र कुमार को महासचिव, रईस अहमद को कोषाध्यक्ष तथा शमीम अहमद, सुश्री रेखा, सुश्री रचना, मुकेश वर्मा, मोहम्मद तईन, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आसिफ सैफी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अनीस, नदीम अहमद, जिशान अहमद, सलमान अहमद, एजाज अहमद, मोहम्मद तौसीन और मोहम्मद शाहनवाज को कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र का सचिव बनाया है। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को इस अवसर पर सपा जिलाध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि राजीव कुमार सिंघल ने विधिवत मनोनयन पत्र प्रदान किए तथा माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया गया। सपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार सिंघल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा, साहब को बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए दे रहा हूं और यहां बैठे जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के नेतागण और साथीगण हैं, वो सभी नाजिम साहब आपके सामने नहीं, आपके पीछे भी आपके कामों की तारीफ करते हैं, आपके प्रयत्नों की तारीफ करते हैं और पूरा जिला अचंभित है इस बात से कि इतने कम समय में आपने हर विधानसभा में इतने अधिवक्तागण जोड़े हैं, ये काबिले तारीफ है। सपा अधिवक्ता सभा की कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष नईम अहमद ने सिटी चैनल 24 को बताया, मैं नईम अहमद एडवोकेट विधानसभा क्षेत्र कुंदरकी का अध्यक्ष हूँ और मैंने जिलाध्यक्ष राजीव सिंघल जी और हमारे अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष नाजिम हुसैन एडवोकेट के नेतृत्व में मैंने आरिफ खान और मंजू को विधानसभा कुंदरकी क्षेत्र के उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है और इसमें सचिव हैं, महासचिव हैं धर्मेंद्र कुमार और कोषाध्यक्ष हैं रईस अहमद और सचिव हैं इसमें शमीम अहमद, रेखा, रचना, मुकेश, मोहम्मद नईम, मोहम्मद आरिफ, रिजवान, आसिफ सैफी, मोहम्मद अनीस, नदीम अहमद, जिशान अहमद, सलमान अहमद और एजाज अहमद, मोहम्मद तोशीब और मुकीमुर रहमान और शाहनवाज, ये सभी एडवोकेट हैं और ये अधिवक्ता सभा विधानसभा कुंदरकी का गठित हुई है। क्या अपेक्षा करते हैं अपने इन पद अधिकारियों से? अपेक्षा यही है कि इस टाइम जो है जो समाजवादी पार्टी है हमारी, इसको मजबूत करेंगे और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी हैं उनके हाथों को मजबूत करेंगे और अब इलेक्शन 2019 है, मिशन 2019 है, उसको पूरी तरीके से तैयारी करेंगे। अधिवक्ता सभा के जिला अध्यक्ष नाजिम हुसैन एडवोकेट ने इस अवसर पर कहा, देखिए मैंने ये बात जब मैंने जिले की कार्यकारिणी घोषित की थी तो ये बात मैंने उस दिन साबित भी कर दी थी यहाँ पर प्रोग्राम में कि माननीय जिलाध्यक्ष राजीव सिंघल साहब और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो मेरा चयन किया था जिला मुरादाबाद से और वो चयन काफ़ी हद तक सही बैठा है और मैंने जो विधानसभा अध्यक्ष अपने बनाए थे वो लोग सारे मेहनत कर रहे हैं और आज मेरे कुंदरकी विधानसभा के अध्यक्ष जो नईम अहमद एडवोकेट हैं इन्होंने अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी है और जल्द ही मैं अपनी ठाकुरद्वारा विधानसभा, काड़ विधानसभा और बिलारी विधानसभा की विधानसभा अध्यक्षों से कहूँगा कार्यकारिणी घोषित करेंगे और आज एक मुरादाबाद में लहर भी है अधिवक्ताओं में कि भाई जो समाजवादी पार्टी का अधिवक्ता बसते थे आज अधिवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और एक लहर है और इंशाल्लाह 2019 का चुनाव हम अधिवक्ताओं का अच्छा योगदान रहेगा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विजयवीर यादव व संजीव चौधरी, जिला महासचिव मोहम्मद लईक अंसारी, महानगर अध्यक्ष हाजी मनी कुरेशी, महानगर सचिव अलहाज नेता मोहम्मद सिद्दीक कुरेशी, मोहम्मद आरिफ अब्बासी व मोहम्मद नदीम सलमानी, पूर्व जिला प्रवक्ता तुंगिश यादव, पूर्व जेल विजिटर मोहम्मद इदरीस, सपा नेता शाहिद हुसैन सैफी, रत्ना सिंह, नविश अब्दुल्ला, सपा महिला सभा कांट की नगर अध्यक्ष विमल कश्यप, महासचिव बीना विश्नोई, अधिवक्ता सभा के जिला उपाध्यक्ष ताबिश जमाल एडवोकेट,
एडवोकेट जिला सचिव वसीम अहमद अकवानपुर वाले, बिलारी विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष मोहम्मद असलम एडवोकेट, सपा नेत्री नाग भारती, सपना दिवाकर, मीनू रत्नाकर, विक्रम सिंह यादव भूरे ठेकेदार, मोहम्मद फुरकान, अनवर मलिक, शिशुपाल यादव, फूल सिंह पासी, वासु गुप्ता, राम सिंह आर्य, महेंद्र सिंह, आरिफ चौधरी आदि भी उपस्थित रहे। सभी लोगों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण करके स्वागत किया तथा बधाई दी।